हेलो, हेलो, गुड इवनिंग। वही सर ही रहो। ओके, इवनिंग सर। जी कैन वी स्टार्ट? सर। कैन वी स्टार्ट? हेलो। यस ओके, आप इंग्लिश प्रेफर करेंगे या फिर हिंदी? सर, हिंदी में देना प्रेफर करूंगा। इज देयर एनी इश्यू सर अबाउट लैंग्वेज? No, there is no issue. Okay. Rahul, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। सर, मेरा नाम राहुल सैनी है। मैं हिसार जिले का रहने वाला हूँ, जो कि एक हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट है। मैंने सर मेरी प्राथमिक शिक्षा होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार से की है, और 10वीं के बाद मैंने 6 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद मैंने एमएससी में एंटोमोलॉजी में कंप्लीट की है, और करंटली मैं पीएचडी कर रहा हूँ सर एंटोमोलॉजी से। और मुझे मेरी हॉबीज हैं सर पढ़ना और क्रिकेट खेलना। क्रिकेट में कौन से प्लेयर को आप पसंद करते हैं? क्रिकेट में सर एमएस धोनी। स्पेसिफिक रीजन, कोई खास कारण? रीजन सर, उनकी जो सबसे अच्छी खूबी लगती है मेरे को सर, कि वो प्रेशर सिचुएशन में शांत रहते हैं और काफी अच्छे से डील करते हैं उसको, तो वो एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ही जरूरी चीज है सर। जैसे आपने बताया एंटोमोलॉजी से आपने एमएससी किया था, मास्टर्स की। हाँ जी सर। एसडीओ के अंदर एंटोमोलॉजी का क्या यूज हो सकता है? क्या आप बेटर कर सकते हैं एज एन एसडीओ? सर, जैसा कि हम देख रहे हैं, या स्पेसिफिक टू अगर हम हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में जो सदर्न और सदर्न वेस्टर्न रीजन है, वहां पे कॉटन की बहुत ज्यादा पैदावार हो, जो मतलब बहुत एरिया में ग्रो की जाती है, तो उस लेकिन उसमें क्या दिक्कत आ रही है, पिंक बोलवर्म का इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा आ रहा है सर। सो बीइंग एन एंटोमोलॉजिस्ट सर, मैं उस ऐसी प्रॉब्लम्स को काफी अच्छे से टैकल कर सकता हूँ, या फार्मर्स तक अवेयरनेस और जो भी सॉल्यूशंस है उसको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। और जैसे राइस है सर, राइस वीट हमारा मेजर क्रॉपिंग पैटर्न है हरियाणा का, तो राइस में भी सर बहुत ज्यादा इन्फेस्टेशन होती है सर, काफी इंसेक्ट पेस्ट की। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, इस साल पिंक बॉलवर्म का इफेक्ट कितना है हरियाणा के अंदर? सर एग्जैक्ट डाटा तो नहीं पता, लेकिन इस बार भी है सर, काफी है, ज्यादा लॉस है सदन हरियाणा में, जैसे आपने पॉइंट आउट किया था, तो इसके लिए क्या कंट्रोल कर सकते हैं? इसके लिए सर सबसे पहले तो सर हमें इसके कारण जानने की जरूरत है कि इसका रीजन क्या है। सो अगर हम टेक्निकल पॉइंट पे आए सर, तो जैसे कि कॉटन मेजर बीटी कॉटन यूज करते हैं, बीटी जो कि सर बेसिलस सुरेंद्रनाइसिस एक बैक्टीरिया यूज करते हैं लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन दिक्कत क्या है सर, उसमें हेमिजाइगस इंट्रोडक्शन किया गया है बीटी जीन का, जो कंप्लीट प्लांट है वो बीटी जीन मतलब उसमें बीटी जीन नहीं होता, कुछ एक प्लांट कुछ एक पार्ट में होता है कुछ एक में नहीं होता। अगर वो होमोजाइगस कर दे हम, या कोई जीन पिरामिडिंग कर दे भाई, किसी और जीन को उसमें इंट्रोड्यूस कर दे जो उसके अगेंस्ट में इफेक्टिव हो, तो एक तो ये स्ट्रेटेजी है सर। एक सर जो हमारे एरिया में है कि जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम को प्रेफर करते हैं सर, क्रॉप को लगभग 150 से 200 या 225 दिन के आसपास हमारी क्रॉप जाती है, तो ये भी एक मेजर रीजन है सर कि उस पेस्ट को अपनी जो इमेच्योर जो इनएक्टिव लाइफ स्टेज है वो उसमें कंप्लीट कर देता है। और सर एक सर्टिफाइड सीड है सर, जो मतलब जो स्टैंडर्ड है, क्योंकि मोस्टली जो बीटी क्रॉप है या जो कॉटन का सीड है वो हम प्राइवेट प्लेयर से यूज करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइजेशन का इश्यू रहता है, तो हमें ये नहीं पता कि वो कंप्लीटली उसमें बीटी इनकॉर्पोरेट है या नहीं है। और लास्ट नोट सर कि एक रेफ्यूजिया होता है सर, हर एक बीटी पैकेट में रेफ्यूजिया आता है जिसमें बीटी जीन नहीं होता,
ताकि ये इसलिए प्रोवाइड कराया जाता है ताकि जो रेजिस्टेंस है वो लंबे टाइम तक चल सके। लेकिन फार्मर्स क्या करते हैं सर, वो सिर्फ यूजिया को ग्रो नहीं करते। जो 20% का पैकेट आता है, रिकमेंडेड है कि 20% एरिया आपका नॉन बीटी होना चाहिए, लेकिन फार्मर्स उसको यूज नहीं करते। तो उस वजह से सर ये मेजर रीजन है सर। फार्मर्स यूज नहीं करते या फिर जो फार्मर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं वो ढंग से नहीं बता रहे, मेन रीजन क्या है इसका? देखो हाँ, कहीं ना कहीं जितना सर, उसका लॉस हो कहीं ना कहीं सर अवेयरनेस है, वो फार्मर इसलिए नहीं करते सर क्योंकि उसकी यील्ड कम आती है सर रिफ्यूजिया की। तो फार्मर्स तो ये चाहते हैं सर कि उनकी यील्ड ज्यादा आए, लेकिन काम है या बी एंड एक्सपर्ट एंटोमोलॉजिस्ट का काम है कि सर उनको अवेयर कराए कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए कितनी हानिकारक है, कि आपको अगर सस्टेन करना है प्रोडक्शन तो आपको रफीजिया लगाना ही लगाना पड़ेगा। राहुल, सपोज आप एसडीओ बन जाते हो एंड आपको एक इमीडिएट एक्शन लेना है लोकस्ट के ऊपर, जिसको हम टिड्डी बोलते हैं देसी भाषा के अंदर। जैसा हाँ पिछले जी दो सर, तीन साल पहले एक अटैक हुआ था एंड हाँ आपको जी, हाँ एसडीओ जी सर, कंट्रोल के लिए ऑर्डर दिया गया, तो आप कौन सी चीज यूज करें? कोई भी ऐसा केमिकल कंट्रोल आप जानते हो? सर केमिकली सर रेकमेंडेड है मेलाथियोन, 4% बेस्ट है सर। तो उसका मतलब हम एरियन स्प्रे कर सकते हैं सर थ्रू ड्रोन्स है, थ्रू हेलीकॉप्टर्स और अदर वेज सर, एरियल स्प्रे करें हम उसका। तो एक तो ये है सर, एक है सर कि जो इसके निम्फ होते हैं सर वो क्रॉल करते हैं सर, तो हम ट्रेंचेस बना सकते हैं अपनी फील्ड के आसपास ताकि वो जितने भी स्वार्म है वो उस ट्रेंच में चला जाए और उसके बाद हम उनके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं या अदर मेथड से उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और फिजिकल मेथड में तो सर जैसे साउंड प्रोडक्शन है सर, साउंड प्रोडक्शन एक अच्छा मतलब मेथड है, उससे ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं। तो यही है सर, बस सबसे मोस्ट इफेक्टिव उसको। नेटवर्क हेलो प्रॉब्लम आपकी आ रही है हेलो या सर, फिर आवाज, आवाज हेलो आवाज आ रही है सर? या आपकी कट के आवाज आ रही है? मेरी साइड से प्रॉब्लम है या फिर अपने एंड पे? आप चेक करो एक बार। नेटवर्क तो ठीक है सर, शायद बीच में हो सकता है सर कहीं दिक्कत आई है। अब आ रही है सर आवाज? हाँ बिल्कुल ठीक आ रही है अभी। हनी बी बोल रहे हो? तो हाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जी सर, हनी बी, हनी इनका क्या रोल है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर? बी सर, जैसे कि सर हमें पता है कि क्रॉप दो टाइप्स की होती है सर, सेल्फ पोलिनेटेड और क्रॉस पोलिनेटेड। तो सेल्फ पोलिनेटेड में तो सर कि पर्टिकुलर जो पोलन है प्लांट का वो उसी के स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर देता है, लेकिन क्रॉस पोलिनेटेड में क्या है सर कि वो सिंगल प्लांट फ्रूट या सीड डेवलप करने में इनकैपेबल होता है, तो उसको दूसरे प्लांट का पोलन की रिक्वायरमेंट होती है सर। तो हनी भी एज ए वेक्टर यूज होता है सर कि ट्रांसफर कर सके वो एक प्लांट के पोलन को दूसरे प्लांट के पोलन पर, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर। तो सर पोलिनेटर का काम करता है सर, मेजर सोर्स है और मोर देन 50% के अराउंड यील्ड इंक्रीमेंट होता है सर इन केस ऑफ सनफ्लावर और इन केस ऑफ मस्टर्ड, अगर हम बीज का अच्छे से यूज करें तो सर। क्या आपको लगता है जो हम केमिकल पेस्टिसाइड यूज करें इनसे इनकी पॉपुलेशन पे कोई इफेक्ट पड़ता है? यस सर, पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है सर, क्योंकि सर हम मोस्टली ब्रॉड स्पेक्ट्रम केमिकल्स का यूज करते हैं, लाइक सिंथेटिक पाइरीथ्रोल्स है या निकोटिनोइड्स हैं, तो इनसे तो सर फर्क पड़ता है हम इनको। लेकिन इनका तरीका ये है सर, क्योंकि हम केमिकल को कंप्लीट अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे तरीके से यूज कर सकते हैं कि इनको कम इफेक्ट करे। जैसे कि सर जब इनका फॉरेजिंग का टाइम होता है वो होता है सर कि सनराइज से लेके और 2 या 3 बजे तक के आसपास, तो हम ये कर सकते हैं कि सर अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग स्प्रे कर सकते हैं और नैरो स्पेक्ट्रम केमिकल्स का यूज कर सकते हैं ताकि वो इनको अफेक्ट ना करें। और सर हम ऐसे तरीके से स्प्रे कर सकते हैं कि वो प्लांट्स पर ही रहे।
वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस? वर्टिकल रेजिस्टेंस सर द रेजिस्टेंस विच इज गवर्न बाय सिंगल जीन एंड इट्स स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ पैथोजन और इंसेक्ट एंड इट कैन बी इट हैज अ हाई इफेक्ट ऑन प्लांट्स दैट इज द रेजिस्टेंस शोन शोन बाय प्लांट्स इज हाईली इफेक्टिव बट इट्स लैकुना इज दैट इट कैन बी ब्रेक इजीली एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस दैट दैट इज गवर्न बाय अ नंबर ऑफ जीन्स and which is effective against a number of strain of pathogens or insect and is longer than vertical resistance. insect kitna loss karte hain agriculture ke andar? agriculture ke andar sir around 25 to 30% sir. and specifically haryana mein baat kare to kya kuch scenario hai? सॉरी सर एग्जैक्ट आई डोंट नो अबाउट हरियाणा कंडीशन सर डू यू थिंक लैंग्वेज का कोई स्पेसिफिक यूज है अपने जो बैचलर या फिर एमएससी हम करते हैं उसके अंदर हरियाणवी लैंग्वेज के अंदर स्टूडेंट को अगर पढ़ाएं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा या फिर जो करंटली हम मेथड यूज कर रहे हैं ये है सर कि मेथड कुछ एक चीजें हैं सर जो हमें जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो हरियाणवी में अगर बताएं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है सर वो जैसा अब चल रहा है सर वो अच्छा है क्योंकि सर एक्चुअल हमारा अल्टीमेट एम है कि हम फार्मर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं जो स्टूडेंट्स है वो भी आगे जाके कुछ ना कुछ ऐसे पोस्ट पे जाए या ऐसे पद पे जाए कि वो फार्मर से कनेक्टेड होंगे तो अगर वो हरियाणवी में कुछ चीज नहीं समझा पाते हैं तो वो उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है सर तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हरियाणवी में हो और जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो एग्जैक्ट ऐसे ही चलती रहे तो बेटर रहेगा सर बिकॉज़ बहुत सारा कम्युनिकेशन गैप होता है एग्रीकल्चर हां जी सर फार्मर के बीच हां जी सर हम इसको यूज कर सकते हैं आपका थीसिस किसके ऊपर था थीसिस सर मेरा था सर पॉपुलेशन डायनामिक्स ऑफ एयर हेड फीडिंग इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सोर्गम एंड देयर एंटीमोपैथोजेनिक मैनेजमेंट फर्टिलाइजर क्रॉप रोटेशन ग्रीन मैन्योरिंग ऑर्गेनिक मैन्योर्स एफ आई एम टू बैलेंस द ओवरऑल न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ सोइल And in IPM, sir, it is a pest management strategy that utilizes all suitable techniques and methods in as compatible manner as possible. Like different method we used are physical methods, chemical methods, mechanical methods, and biological methods. What are pheromone traps? Pheromone traps are intra hormonal. intra hormonal chemicals that are used by one gender of a species to attract the other species other gender of a same species like female secrete pheromone trap to attract male of that species sabse bada odor kaun sa hai insect ka coleoptera sir मेजर इंसेक्ट के नाम बताइए कोलोप्टेरा के अंदर मेजर सर स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है वो मोस्टली कोलियोप्टेरा से बिलोंग करते हैं सर लाइक राइजोपर्था बीटल और लेसर ग्रेन बोरर रेड रस्ट फ्लोर बीटल और लाइक सर इन कोकोनट राइनोसिरस बीटल तो दीज आर मेजर पेस्ट बिलोंगिंग टू कोलियोप्टेरा सर राहुल आपको एग्री टूरिज्म के बारे में कुछ पता है एग्री टूरिज्म सर एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करके टूरिज्म को प्रमोट किया जाए सर लाइक हाँ जी सर कोई एग्जांपल दे सकते हैं इसके ऊपर लाइक सर रोज गार्डन इन चंडीगढ़ रोज गार्डन एंड रो गार्डन इटसेल्फ इट्स आल्सो ए पार्ट ऑफ एग्री टूरिज्म इन रोज गार्डन सर देयर आर मोर देन 500 species of roses. So it promotes tourism, sir. It attracts people to visit that place.
चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कृषि मेला ऑर्गेनाइज करवाती है उसको हम एग्री टूरिज्म कैटेगरी में डाल सकते हैं। हाँ सर, से फार्मर्स को क्या क्या हेल्प मिलती है अगर आपने विजिट किया हो तो? उससे एक तो सबसे जरूरी बात सर, जो सीड सोर्स है सर, सीड डिसेमिनेट किया जाता है सर फार्मर्स को। तो मेले में हर जो यूनिवर्सिटी जिस भी क्रॉप का सीड प्रोड्यूस करती है सर, तो मेले में वो सीड अवेलेबल होता है इजीली फार्मर्स को। और सर टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो वो डिसेमिनेट करने का भी बहुत अच्छा मेथड है सर। तो यूनिवर्सिटी में हर एक डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट आपको अवेलेबल होते हैं सर, तो वो एंड आपको एट ए टाइम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर प्राइवेट कंपनीज भी इन्वॉल्व होती है, वो अपनी नई टेक्नोलॉजी को डिसेमिनेट करती हैं फार्मर्स तक। तो बैकग्राउंड क्या है राहुल, एग्रीकल्चर कम्युनिटी है आप या फिर? यस सर, एग्रीकल्चर फॉर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ सर, फार्मिंग तो कम्युनिटी से। ग्रो ग्रो किया अभी तक ठीक यस सर, मीट ग्रो की है सर। हाँ है। क्या जी, कुछ प्रोडक्शन होता है वीट का 1 एकड़ के अंदर? एक एकड़ के अंदर सर अराउंड 20 से 25 क्विंटल सर। हाँ जी, आप हिसार से हैं तो हिसार में मेनली कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है? अच्छा हिसार में सर कॉटन वीट, कॉटन मस्टर्ड और कुछ एक एरिया में है सर राइस वेट भी है। हमने हरियाणा में एक सेंटर बनाया है फरीदाबाद के अंदर, आपको पता है इंसेक्ट से रिलेटेड? डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन है सर, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। और भी है लोकस्ट के लिए 2020 में बनाया हमने। नो सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। इश्यू। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर आपको जनरल नॉलेज आता है थोड़ा बहुत हरियाणा से रिलेटेड, या फिर जैसे G20 समिट हुई थी अलग अलग? हाँ जी सर, G20 क्या है? G20 सर 20 कंट्रीज का ग्रुप है जो एसोसिएट होते हैं रेगुलर बेसिस पे और डिस्कस करते हैं सर लाइक एनवायरमेंटल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, टू प्रमोट और डेवलपमेंट ऑफ दीज कंट्रीज। इंडिया को लीडरशिप मिली थी लास्ट ईयर से अभी तक, हाँ उससे जी थोड़ा सर, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। उसका ये है सर, एक तो टूरिज्म एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सर कि ग्लोब लेवल पे लोगों को पता चले कि सर इंडिया में क्या क्या है और कैसे क्या है। एक सर जैसे इंडिया ने मिलेट्स को बहुत प्रमोट किया है सर इस G20, उसमें और इंडिया सर मेजर प्रोड्यूसर है मिलेट्स का इन द वर्ल्ड, तो वो भी एक अच्छा वो है सर कि उसको प्रमोट करने के लिए ताकि इसका एक्सपोर्ट बढ़ सके सर, डिमांड बढ़ सके मिलेट्स की। हरियाणा में कितना सीरियल्स के प्रोडक्शन है और हो? सॉरी सर, एग्जैक्ट डाटा एग्जैक्ट नहीं, जैसे क्या हम टॉप 10 के अंदर हैं? यस सर, टॉप 10 के अंदर है। हाँ व्हाट इज ई नाम? ये नाम सर एक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक नेशनलाइज एग्रीकल्चर मंडीज है सर ये मार्केट। तो एक पैन इंडिया प्लेटफॉर्म है सर, जो जितनी भी कंट्री में जितनी भी मार्केट है सर एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो उसको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है सर, सभी को कनेक्ट किया गया है सर। राहुल, MSP के कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट बताइए। सर सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है एमएसपी का टू रिड्यूस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि सर फार्मर्स जैसे फॉर एग्जांपल सर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ इंडिया एंड स्पेसिफिकली टू पंजाब एंड हरियाणा, सो मेजर क्रॉपिंग पैटर्न इज राइस वीट एंड दिस इज ड्यू टू एमएसपी। द मेजर रोल ऑफ दिस क्रॉपिंग पैटर्न इज एमएसपी। सो सर मेजर आई थिंक सबसे बड़ा लूपहोल यही है सर कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को रिड्यूस करता है सर एमएसपी। हरियाणा में हम सबसे ज्यादा MSP दे रहे हैं 14 क्रॉप्स के, हाँ जी इसे सर, कैसे देखते हैं?
जी सर, आप इसको कैसे देखते हैं, पॉजिटिव क्राइटेरिया से या फिर? एमएसपी सर कुछ बेनिफिट्स हैं एमएसपी के जो कि बहुत अच्छे हैं। जैसे फार्मर्स को अश्योर करता है सर, कोई भी क्रॉप अगर वो शो करता है तो कि उसको एमएसपी प्रोवाइड हो। तो जैसे सर अपार्ट फ्रॉम राइस एंड वीट और भी अदर क्रॉप है सर जिसका एमएसपी प्रोवाइड करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करता है कि सर दूसरे क्रॉप्स की तरफ वो शिफ्ट हो। जैसे सर पल्सीज का बहुत इंक्रीज, पल्सीज और मिलेट्स का एमएसपी बहुत इंक्रीज हुआ है सर इस बार, तो ये चीज प्रमोट करती है सर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को। हरियाणा वीट फ्रूट एंड वेजिटेबल पे फोकस कर रहा है, तो हाँ जी सर, आपको नहीं लगता इससे सीरियल्स की प्रोडक्शन पे इंपैक्ट पड़ेगा कुछ? सर मुझे लगता है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है सर, और लेकिन अभी हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल का एरिया बहुत कम है सर हरियाणा में, तो अभी तो एट प्रेजेंट तो मुझे नहीं लगता सर कि कोई ऐसी दिक्कत आनी चाहिए कि सीरियल में या कुछ ऐसा, लेकिन इंटीग्रेटेड होना तो बहुत जरूरी है सर, तो प्रमोशन होना अकॉर्डिंग टू मी इट्स गुड फॉर सस्टेनेबिलिटी सर। जैसे रिसेंटली पॉल्यूशन का काफी इश्यू आ रहा है एनसीआर रीजन के अंदर, हाँ जी सर, तो आपको क्या लगता है स्टेबल बर्निंग कितना रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए? स्टबल बर्निंग, एक स्टबल बर्निंग रिस्पॉन्सिबल है सर, लेकिन और भी काफी फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, लाइक सर पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स और फ्रॉम फैक्ट्रीज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट इश्यू। और सर मेजर ये है कि एक क्लाइमेट ऐसा हो जाता है सर उस टाइम पे लाइक अक्टूबर और नवंबर में कि एक कंडीशन हो जाती है सर फोग की, और मतलब कारपेट सा हो जाता है सर एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से जो भी पोल्यूशन है वो वहीं रह जाता है सर, तो एक क्लाइमेट भी इश्यू है सर उस चीज का। लेकिन ये है सर इस बार बहुत कम हुई है सर स्टबल बर्निंग, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हरियाणा कंडीशन, तो पिछली बार के कंपैरिजन में मोर देन 60% जो केसेस हैं वो रिड्यूस हुए हैं सर हरियाणा में, तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंटरवेन कर रही है सर, जैसे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है सर, गवर्नमेंट सर सब्सिडी दे रही है लाइक 1,000 रुपीज पर एकड़ फॉर रेजिड्यू मैनेजमेंट। और सर जो अभी रिसेंटली पानीपत में सर एक प्लांट है, इथेनॉल का प्लांट है स्टार्ट किया है सर गवर्नमेंट ने, तो वो बाय करके इसको इथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे सर, तो ये भी एक अच्छा तरीका है सर, एक अच्छा भी। रिन्यूएबल एग्री सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी को आप किस तरह देखते हो राहुल, इसके रिन्यूएबल एनर्जी सर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म सर, क्योंकि जो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स है लाइक पेट्रोलियम सोर्स सर, तो वो तो लिमिटेड है सर, तो हमें अगर सस्टेनेबिलिटी की जरूरत, सस्टेनेबिलिटी चाहिए, क्योंकि एनर्जी मेजर सोर्स है सर किसी भी एक्टिविटी में, हमारा ऑटोमोबाइल्स में, फैक्ट्रीज में या एग्रीकल्चर मशीनरी में एनर्जी तो हमें चाहिए सर। अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज करें लाइक राहुल आपके एंड पे थोड़ा नेटवर्क इश्यू आई थिंक। हेलो, आपके एंड पे नेटवर्क इश्यू आई थिंक। हेलो, हाँ जी सर, आ रही है आवाज? हाँ जी हाँ जी आ रही है। हेलो हाँ जी सर, हाँ जी सर, राहुल, ये बताइए इंसेक्ट के क्या सिर्फ लॉसेज हैं या फिर कोई फायदा भी इनका? यस सर, इंसेक्ट बेनिफिशियल भी होते हैं सर, लाइक सर जैसा कि आपने पूछा हनी बी सर, तो मेजर मेजर फायदा तो ये है सर बी पोलिनेटर। और अगर हम सर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो इंसेक्ट का मेजर रोल है सर बायोलॉजिकल कंट्रोल में,
तो इसमें हम सर प्रेडेटर्स होते हैं, कुछ कुछ इंसेक्ट होते हैं जो हार्मफुल इंसेक्ट्स को फीड करते हैं। तो अगर फार्मर्स को हम अवेयर करवाएं कि ऐसे इंसेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें और उनकी पॉपुलेशन मैनेज करें, तो सर हम केमिकल पेस्टिसाइड जो यूज होते हैं उनके यूज को काफी कम कर सकते हैं और एक सस्टेनेबल वे में मैनेज कर सकते हैं। लाइक सर ट्राइकोग्रामा है, जैसे ट्राइकोग्रामा ट्राइकोकार्ड्स यूज करते हैं हम सर राइस स्टेम बोरर के लिए या डिफरेंट बोरस के लिए शुगर केन में, तो सर इंसेक्ट इटसेल्फ बेनिफिशियल है सर। और कुछ प्रोडक्ट्स भी है सर, लाइक सिल्क वर्म है सर जो सिल्क प्रोड्यूस करता है, लैक मिलता है सर हमें, हनी भी मिलता है इससे, तो ये प्रोडक्ट्स भी यूजफुल है सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया था इंसेक्टिसाइड एक्ट। हाँ जी सर, आपको कुछ पता है उसके बारे में, क्या कुछ प्रोविजन उसके अंदर? हाँ जी सर, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स है सर, मैन्युफैक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग ऑफ पेस्टिसाइड, तो इनसे रिलेटेड पॉलिसीज हैं सर कि कैसे कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी भी केमिकल को। तो अब सर अगर किसी को मैन्युफैक्चर या सेल करना है तो इट्स मैंडेटरी टू रजिस्टर अंडर इंसेक्टिसाइड एक्ट। कौन सी ईयर में पास किया था हमने इसको? 1968 में सर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में आपके क्या विचार हैं? सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक अच्छा इनोवेशन है सर, अगर बेटर वे में यूज कर सके तो, क्योंकि सर अब फार्मर्स अश्योर हो जाते हैं कि इनपुट्स के लिए और वेरियस एक्टिविटीज या मशीनरीज के लिए थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और जो प्राइसेस है या जो वैल्यूएशन है वो स्टार्टिंग में ही फिक्स हो जाती है, तो उनको कहीं ना कहीं प्राइस फ्लक्चुएशन से भी बचने में मदद करती है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ठीक है सर। लेकिन अगर लार्ज स्केल पे कोई प्राइवेट होल्डर है सर जो वो स्टार्टिंग में ही कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो उससे एक्सप्लोइटेशन भी होता है सर फार्मर्स का, तो कहीं ना कहीं लीगलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए सर कहीं ना कहीं, तो उसमें में अगर हम करें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक अच्छा तरीका है। डबलिंग द फार्मर इनकम के बारे में आपको पता है? हाँ जी सर, डबलिंग द फार्मर इनकम सर स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट सबमिट की थी सर, और उसमें वेरियस एस्पेक्ट्स थे सर, लाइक एग्रोफोरेस्ट्री है और लाइफ स्टॉक इंटीग्रेशन है, वेरियस फार्मिंग सिस्टम्स हैं जिससे हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर पाए। क्या हमने इसको अचीव कर लिया? नहीं सर। दिन पहले प्रमोद स्वामीनाथन फर्स्ट हो गए। हाँ जी सर, लगता है उनकी जगह कोई ले सकता है इंडिया के अंदर? सर उनकी जगह लेना तो बहुत ही मुश्किल है सर, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है इंडिया के लिए आई थिंक इट्स डिफिकल्ट। फ्यूचर को तो सर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एट प्रेजेंट उनकी जगह लेना बहुत ही मुश्किल है सर, क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर सिस्टम को तो रिवोल्यूशनाइज कर दिया सर, और एज यू नो सर दैट आवर इकोनॉमी इज हाईली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड इट्स इनपुट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड आवर इकोनॉमी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द पैटर्न ऑफ मानसून which affect agriculture, so it's difficult to replace MS Swaminathan sir. मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम चला रखी है हरियाणा सरकार ने। हाँ जी सर, आपको कुछ पता है उसके बारे में? हाँ जी सर, ये स्कीम है सर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और मेजर सर जो राइस वीट क्रॉपिंग पैटर्न है सर नॉर्दर्न इंडिया नॉर्दर्न हरियाणा में, तो उसको रिप्लेस करने के लिए सर अदर क्रॉप से तो 7,000 पर एकड़ सब्सिडी प्रोवाइड करवाते हैं सर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से, अगर कोई फार्मर दूसरी क्रॉप को अडॉप्ट करता है या राइस को रिप्लेस करता है। तो मेजर सर 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा के जिनको कवर किया गया है इसके अंदर। एग्रीबिजनेस स्टार्टअप को आप कैसे देखते हैं? ये सर एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर हम फार्मर्स की बात करें तो मोस्टली अवर फार्मर्स इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल अराउंड 80%,
अगर हम एग्री बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करें और एग्री लाइक एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएं और प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग को बढ़ावा दे, तो ये फार्मर्स इनकम को प्रमोट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है सर। आपके माइंड में कोई आइडिया है इससे रिगार्डिंग? Like, sir, in Hisar, sir, there is a production of strawberry. Strawberry होती है सर यहाँ पे बहुत। तो मैंने ऑब्जर्व किया है सर कि शाडवा है सर। तो मैंने ऑब्जर्व किया है सर कि पीक टाइम में जो स्ट्रॉबेरी मेजर मार्केट है सर स्ट्रॉबेरी की दिल्ली, तो फार्मर्स स्ट्रॉबेरी को सर दिल्ली ले जाते हैं हिसार से या जहां भी प्रोड्यूस करते हैं। तो लेकिन पीक टाइम में सर प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो दिल्ली तक पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले ही डेटेरियरेट हो जाता है सर। तो अगर ऑन फार्म पे ही हम कोई ऐसी यूनिट लगा लें कि उसको प्रोसेस कर पाए, तो इट विल रिवोल्यूशनाइज द प्रोडक्शन। कौन से गांव से बिलोंग करते हो? सर मैं हिसार के सातरोड गांव से बिलोंग करता हूं सर। आपके गांव में कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है? हमारे गांव में सर मोस्टली राइस वीट है सर, और कुछ पार्ट में सर वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं। और आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता तो आप क्या अल्टरनेट? तो सर मैं मेरी पीएचडी कंटिन्यू करूंगा सर और एफर्ट्स लगाऊंगा कि एट द एंड कि मैं फार्मर्स को अपनी नॉलेज डिवोट कर सकूं, क्योंकि मैंने इतने साल जो भी पढ़ा है सर, तो अल्टीमेट एम बीइंग एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ही रहता है सर कि आप फार्मर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके। तो मैं आगे एफर्ट करता रहूंगा सर कि कहीं ना कहीं आगे मतलब सेलेक्ट हो पाऊं या ऐसी पोजिशन पे जाऊं जहां मैं फार्मर्स के लिए कुछ हेल्प कर सकूं या मेरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको नॉलेज है कुछ? हाँ जी सर, किसान क्रेडिट कार्ड सर एक सब्सिडाइज्ड लोन प्रोवाइड करवाता है सर फार्मर्स को। अगर वो टाइमली लोन को पे कर देते हैं तो सर उसकी प्रीमियम रेट होती है 4%। तो एक एकड़ के लिए सर 3 लाख है पर एकड़ पर हेक्टेयर वो रिकमेंडेड लोन अमाउंट है सर। किसान शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं सर, इससे अपने जो वेरियस इनपुट्स है या वेरियस कॉस्ट है उसको पे कर सकते हैं सर। क्या आपको लगता है ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 आएगा? यस सर, आ सकता है सर अगर एफर्ट्स करते रहे तो। गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है सर बहुत ज्यादा, बहुत स्कीम्स या अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं सर। तो probably sir we will see the green revolution 2.0 yes, because hum first number pe aa chuke in terms of population, so to fit the population sir, aur population sir hamara major youth hai sir, major portion, to hum kar sakte hain sir achhe। Rahul, aapko cbdc ke bare mein pata hai? Central bank digital currency? Sorry sir, I'm not aware about it। आपको लगता है जैसे फार्मर्स को हमें कुछ से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देने चाहिए? यस सर, डेज के ताकि उन तक अगर पर्टिकुलर क्रॉप्स रिगार्डिंग जो भी इश्यूज हो उसको बता सकें। सॉरी सर, एक रिपीट। ओके, क्या हम ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं फार्मर्स के लिए ताकि जो भी क्रॉप वो ग्रो कर रहे हैं उससे रिगार्डिंग जो भी इश्यूज आ सकते हैं या फिर जो भी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए? हाँ जी सर, इट इज हाईली नेसेसरी टू कंडक्ट वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, क्योंकि सर फार्मर्स अवेयर नहीं है अबाउट लाइक वेरियस प्रैक्टिसेस लाइक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो अगर हम उन्हें अवेयर करवाएं सर वेरियस इंटरवल्स पर टाइम टू टाइम, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा सर अबाउट नॉलेज अबाउट सोयल रिलेटेड इशूज, क्रॉप सिलेक्शन, वेरियस प्रैक्टिसेस टू मैनेज वीड एंड पेस्ट और पैथोजन कंट्रोल। सो बहुत ही जरूरी है सर ये कि वेरियस टाइम पे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाएं। क्या फार्मर के लिए फिजिबल है वो दिल्ली ऑफिस में आए ट्रेनिंग अटेंड करें? हमें सर ऐसे ट्रेनिंग कंडक्ट करवाएं कि ऑन फार्म अगर हम ट्रेनिंग कंडक्ट करवा सके,
बिटवीन 20 और 50, लाइक सर हम फील्ड सेलेक्ट करें और 20 और 50 फार्मर्स के ग्रुप को वहीं पे इनवाइट करें एट ए टाइम, ताकि हम 1-2 घंटे में ये उनको समराइज कर सके चीजों का, और रेगुलर बेसिस पे अगर हम करवा सकते हैं हो सके ये प्रोग्राम तो सर काफी अच्छा है, और ये हम कंडक्ट करवा सकते हैं सर। जैसे हम प्राइवेटाइजेशन कर रही है गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर का, जी सर, सपोज अगर एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर दिया जितने भी ऑफिसेज हैं, जी सर, इसको कैसे देखते हैं सर? प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सर, कुछ एक चीजों में जरूरत भी है सर, लाइक मैकेनाइजेशन है इन एग्रीकल्चर है सर, और कहीं ना कहीं एक्सटेंशन वर्क है सर। एक्सटेंशन वर्क अभी हमारा इतना बेहतर नहीं है सर कि जो हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं वो फार्मर्स तक डिसेमिनेट हो पाए, तो अगर कुछ एक चीजों में प्राइवेटाइजेशन हो जाए तो ठीक है सर। बाकी सर अगर कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो वहां कहीं ना कहीं मोनोपोली और एक्सप्लोइटेशन का भी खतरा रहता है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होना बहुत जरूरी है सर। तो एक मिक्सअप मॉडल अगर हो तो वो बेटर रहता है सर कंप्लीटली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी ज्यादा चर्चा में है, हां जी सर, एग्रीकल्चर के अंदर इनके क्या-क्या यूजेस हो सकते हैं? एग्रीकल्चर के अंदर सर हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं सर, लाइक मॉडलिंग, क्रॉप मॉडलिंग है सर, कि कौन से टाइम पे या कौन सा इनपुट हमें यूज करना है, कौन सी वैरायटी यूज करनी है, और लाइक सर इंसेक्ट पेस्ट का भी है कि हम थर्मल बेस्ड इन्फेस्टेशन को थर्मल बेस्ड सेंसर्स यूज कर सकते हैं सर इन्फेस्टेशन डायग्नोस करने के लिए, और डिफरेंट पैथोजेंस है सर वो हम लीफ कलर से पता लगा सकते हैं कि लीफ इन्फेस्टेड है या नहीं है, तो सर काफी अच्छे स्कोप है सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्रीकल्चर में। That's it all from my side. Okay, sir, thank you, sir. आपका जो भी डाउट आप पूछ सकते हैं।